पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक अजिहा अदारा है जिहड़ा मालवे के पछड़े खेत्र च गरीब खास करके पछड़े वर्गां दे ते खास करके लड़कियां नूं थोड़ी फीस ते उचेरी विद्या दिंदी है। साडे होस्टलां दे खर्चे भी इन्ने क ने कि आम परिवार का विद्यार्थी इत्थे आके रह सकदा है। मेन कैंपस ते सारे साडे कंस्टिचुएंट कॉलेज ते साडे जिहड़े बाहरले केंद्र ते उहदे नाल अफिलिएटिड कॉलेजिज़ नूं रला के 2 लाख तों वध विद्यार्थी इत्थे पढ़दे। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कुछ समय तो वित्तीय संकट च भी चल रही है ते वित्तीय संकट दा वड्डा कारण यह है कि असी जिहड़ियां न्यू लिबरल पॉलिसीज आई हैं इस देश च उन्हां मुताबक अपनियां फीसां नहीं वधाईयां ते असी पब्लिक दी इस खेत्र दी सर्विस उसे तरीके नाल ही करदे रहे जिस तरह सानूं करनी चाहीदी सी। नतीजा यह कि अज साडा जे साल दा सैलरी बिल 468 करोड़ है नवे ग्रेडां तों बाद, मतलब कि एक महीने का 39 करोड़ साडा सैलरी बिल है। 468 करोड़ विच जे लगभग 100 करोड़ होर जोड़िए बिजली पानी होर खर्चे तो साडा 650 करोड़ का लगभग बजट है। 650 करोड़ विचों 200 करोड़ यूनिवर्सिटी अपने सोमिया तो कमाउंदी है। भावें असीं थोड़ी भी फीस लैने हैं पर उस सारी फीस ते एफिलिएशन तो सानूं 200 करोड़ दे रुपए दे लगभग राशि मिलती है। तो असीं सरकार कोलों पंजाब सरकार कोलों इस साल 360 करोड़ की सालाना ग्रांट मंगी सी तां कि असीं तनखावां दे सकीए ते यूनिवर्सिटी नूं चला सकीए। असीं कोई होर ग्रांट नहीं सी मंगी। इस ग्रांट तो बिना यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा असंभव है। इस गल दा सब नूं पता सी ते पंजाब सरकार नूं बड़ा खुल के दस्या गया सी। 164 करोड़ रुपये की ग्रांट जो पंजाब सरकार ने इस बजट सानूं दित्ती है यह पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल एक भद्दा मजाक है। पंजाबी यूनिवर्सिटी इन्नी ग्रांट नाल नहीं चलाई जा सकती। यह भी हो सकता सी कि सरकार सानूं 360 करोड़ की थां ते कुछ ग्रांट घट दे दिंदी, जिवें सब नूं पता है कि पंजाब की भी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। जे असी सारे गरीब हाँ सारे भुखे हाँ तो असी घट रोटी वंड वरत के भी खा सकते हैं। इस गल नूं मैं भी बिल्कुल समझदा। तो जे इस तरह की कोई गल हुंदी कि सानू ग्रांट इस तरह दित्ती जांदी कि सानू लगदा कि सरकार साडे प्रति सुहिरद है पर सरकार दीआं कुछ मजबूरियां ने, तो असी जरूर यह सोचदे कि यह सरकार जिहड़ी पंजाब विच विद्या ते सेहत नूं लैके इन्ने वड्डे बयान दिंदी रही है ते जिहदे चीफ मिनिस्टर ने 29 मार्च नूं यूनिवर्सिटी विच कहा सी कि मैनूं पता लगा है कि विद्या कर्जे थल्ले है, विद्या कर्जे थल्ले नहीं रहेगी। तो जे इस ग्रांट नाल यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा है तो ना सिर्फ विद्या कर्जे थल्ले ही रहेगी, 150 करोड़ का कर्जा जो पंजाबी यूनिवर्सिटी च है उन्हूं फिर वधाउणा पएगा, होर कर्जे लैके ही तनखावां देणियां पैणगियां ते कर्जा वधेगा ना कि घटेगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी विच बहुत सारे नवें प्रोग्राम असीं शुरू कीते है, एक अकादमिक माहौल मुड़ सिरजण की कोशिश की है जिहड़ी बहुत हद तक अगे वधी है ते कामयाब हुई है। असीं 5 साल एकीकृत कोर्स शुरू किए है, पंजाब दा वण ते जीव जंत मुड़ बहाली केंद्र शुरू किया है, पंजाब दा पेंडू कारोबारी ते हुनर विकास केंद्र शुरू किया है, बहुत सारे अकादमिक प्रोग्राम 300 साल वारिस शाह का, 150 साल भाई वीर सिंह का, बहुत सारे होर प्रोग्राम असी इस तरह करते हैं जो पंजाब ते पंजाबीयत नूं प्रणाए हुए होंदे हैं। इस करके पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं चलाउणा ते उहनूं योग वित्तीय ग्रांट देनी सरकार दा काम है। ये असी कोई मंग नहीं रहे सरकार तों, सरकार नूं अपनी जो उहनां दी ड्यूटी है वह पूरी करने लई ही बेनती कर रहे हैं। सो जो भी तरीका वरतना पएगा पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं बचाउण लई ते पंजाबियों नूं इहदी महत्ता बारे जागरूक करन लई ते पंजाबियों नूं नाल लैके सरकार ते दबाव पाउण लई असी उह सब कुछ करांगे। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे वल्लों उहदे वाइस चांसलर होण दे बतौर मैं पंजाब सरकार नूं पुरजोर अपील करदा कि साडी ग्रांट जो 164 करोड़ अनाउंस कीती है उहनूं इसे बजट विच बदल के 360 करोड़ जां उहदे लागे चागे कीता जावे। इस तों बगैर यह 60 साल पुराना उदारा जो पंजाब पंजाबी ते पंजाबी भाषा नूं प्रणाया होया है अगे नहीं वध सकेगा, सगों मर जाएगा ते इहदा मरना पंजाब ते पंजाबी दे मरन दे बराबर होएगा। मैं सारयां नूं अपील करदा यूनिवर्सिटी परिवार दे सारे मैंबरां नूं, भावें उह विद्यार्थी होण, भावें उह अध्यापक होण ते भावें उह कर्मचारी होण, ते उह सारे पंजाबी जो पंजाबी भाषा नाल जुड़े होए हैं उहनां नूं अपील करदा कि अपने अपने ढंग नाल पंजाब सरकार नूं अपील करो, उहनां ते दबाव पाओ कि इस अदारे नूं इस तरह बंद होण वल जाण।